पंजाब सरकार ने पूर्व अकाली बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आटा दाल स्कीम के लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड रद्द कर दिए हैं। इस योजना को बादल सरकार ने गरीब परिवारों के लिए शुरू किया था, जिसके तहत मुफ्त आटा और दाल दिया जाता था, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अकाली दल ने अपने चहेते और अपने कार्यकर्ताओं के फर्जी स्मार्ट कार्ड बनवाकर योजना का लाभ पहुंचाया, जबकि गरीबों को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने तमाम गरीब परिवारों को जारी किए गए स्मार्ट कार्ड रद्द कर दिए हैं और ऐलान किया है कि वेरिफिकेशन किए जाने के बाद नए सिरे से ये स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। पंजाब के लुधियाना में लोग लावारिस कुत्तों के खौफ में जीने को मजबूर दिखे। वहां पिछले कुछ साल से कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ नजर आई, जिनमें ज्यादातर वहां कुत्तों के काटने के बाद अपना इलाज करवाने पहुंचे थे। कई लोग तो कुत्तों के काटने से बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिनका इलाज किया गया, जबकि एक बच्चे समेत दूसरे लोगों को रेबीज से बचने के लिए इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने भी कुत्तों की बढ़ती तादाद को लोगों के लिए खतरा बताया। ये मई में हमारे देखिए काफी ज्यादा हो गए, 675-68 तक आज भी हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं केसेस। इलाज कराने आए लोगों ने नगर निगम पर समस्या से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। बहुत कुत्ते हैं, ये बच्चों का रहना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। इस दौरान अस्पताल परिसर के अंदर